तो जी वेलकम हो गया आपका इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच पार्ट टू का व्लॉग का। तो जी जैसा कि आपको पता था कल बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से हमें अपना व्लॉग भी रोकना पड़ा और मैच भी रुक गया। तो अब मैं स्कूल से आया हूँ, तो अब मैच की टाइमिंग थी 3 o'clock, लेकिन अभी भी बारिश हो रही है। तो जल्दी से मैं कपड़े चेंज करता हूँ और दोबारा से वही मैजिक करते हैं। तो चलें, तो ये देखें फ्रेंड्स, आई एम रेडी। तो फाइनली फ्रेंड्स, एक बार फिर मैच स्टार्ट हो चुका है। तो जी मैच स्टार्ट हो चुका है, ये देखें 158 रन्स हैं और 2 विकेट्स हैं। नसीम शाह ओवर कर रहा है और केएल राहुल और विराट कोहली स्ट्राइक पे। करंट रन रेट चल रहा है 5.9। और एक पाकिस्तानियों के लिए बैड न्यूज़ ये है कि आज हारिस रऊफ नहीं खेल रहा, क्योंकि उसकी इंजर्ड हो गया वो। इतनी सी देर में केएल राहुल और विराट कोहली ने जो पार्टनरशिप लगाई, उसमें तो पक्का पक्का पाकिस्तान गया। पाकिस्तान और इंडिया का मैच, पाकिस्तान और इंडिया का मैच, पाकिस्तान की पिटाई हो गई है, इंडिया ने दो दिए। आज पाकिस्तान पूरे मूड में आया है कि हमने हार के जाना है। तुम लोग स्कोर देख सकते हो, ये देखें 330 स्कोर और 84 पे 100 विराट कोहली, 102 पे और 108 केएल राहुल, 330 पे सिर्फ 2 विकेटें 48 ओवर। एक तो ये बार बार जो ऐड आ जाता ना, ये बड़ा काम खराब है। इन बॉलर से तो कोई विकेट गिरनी नहीं है, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। आपको पता ना फिर मैं कौन हूँ, हाथ बस चले जाना और मैंने आउट कर देना है। वो बॉल पकड़ाओ, चले श्रीलंका जा रहे हैं बस हम। Easy pickings. सिचुएशन हो गई बहुत ज्यादा खराब। आप लोग देख सकते हो स्कोर कैसे लगता जा रहा है और लोग चाचा गुस्सा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है चाचा। तो बहुत ज्यादा स्कोर 338 स्कोर और सिर्फ 2 विकेट और स्कोर पे स्कोर लगता जा रहा है यार। सिचुएशन हो गई बहुत खराब। अब ना बस बैठने नीचे बैठ जाना चाहिए, क्योंकि बस हार गया पाकिस्तान आज। बल्कि मैच देखने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो। हाँ जो बस हाँ जो कोई फायदा है नहीं देखने दूखने का, चलो बस। ये तो इंडिया ने इतना स्कोर कर दिया ना, पाकिस्तान तो इतना T20 में नहीं कर सकता इतना ज्यादा स्कोर जो इन्होंने कर दिया। पाकिस्तान T20 की तरह भी खेले तो पाकिस्तान से नहीं होना। स्कोर टारगेट मिल चुका है, 356 टोटल स्कोर है और पाकिस्तान ने करना है 357 50 ओवर्स में बस। तो चलें बस हम अपनी बैटिंग का वेट कर सकते हैं और हम कर ही क्या सकते हैं, हम बस कुछ भी नहीं कर सकते यार, कुछ भी नहीं। रेडी हो चुके हैं और इंडिया का मेन बॉलर बुमराह भी रेडी हो चुका है। तो अब ऐसा करते हैं कि जल्दी से बनाते हैं पॉपकॉर्न, खाने पीने का भी कोई सीन होना चाहिए ना यार, ताकि पाकिस्तान की बैटिंग एंजॉय करें। पता कोई नहीं कि कौन जीत सकता है, चलें जल्दी से पॉपकॉर्न बनाते हैं। तो जी अपना फखर जमान रेडी हो चुका है और इंडिया का डेंजरस बॉलर भी रेडी है, जसप्रीत बुमराह। फर्स्ट बॉल ऑफ द मैच, सेकंड बॉल, तो फाइनली फ्रेंड्स हमारे पॉपकॉर्न भी बन के रेडी हो चुके हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये का माहौल चेक करो, कितना लेवल है यार। हाय 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 हाय, इसको यहाँ रखते हैं जी। हाय हाय हाय, तो जी आप इंजॉय करेंगे मैच बैठ के, पाकिस्तान को सपोर्ट करना है क्योंकि बैटिंग आ गई है। चलो यार, चलो 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 चलो, मामूला का आउट। क्या करें, we'll be right back.
तो फ्रेंड्स आप लोग स्कोर देख सकते हैं, 65 रन्स टारगेट 357 और 14.5 ओवर। और सबसे मेन बात, 3 विकेट्स गिर चुकी हैं हमारी टीम की, तो अब कोई चांसेस नहीं है कि हमारी टीम जीत सके। स्कोर 357 का टारगेट दे दिया यार, नहीं हो पाएगा ये। बहुत अफसोस से मुझे कहना पड़ा है कि आज का मैच पाकिस्तान हार जाएगा। अहमद या फखर जमान हिटिंग करें, कुछ हो सकता है, तो दुआ करें बस आप। जिससे उम्मीद थी वो भी आउट हो चुका है, अब पाकिस्तान पूरा पूरा हार चुका है। इफ्तिखार अहमद आउट, 23 रन्स। तो बस अब लेकिन हम लास्ट तक मैच देखेंगे, अपनी टीम को सपोर्ट करते रहेंगे। हो सकता है अभी नसीम शाह आए और मैच, ऐसा नहीं हो सकता यार, ऐसा हो ही सकता। नहीं यार, उठ के क्या करना है, क्या करना है, उठ के वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, ये क्या हो गया है, ये टीवी गलत है, ये टीवी गलत है। जल्दी जल्दी शेयर ठोके।